कंट्रोवर्सी में घिरे लखनीत फैमिली की तरफ से एक गुड न्यूज़ आ रही है। अब इसको गुड न्यूज़ बोले या शॉकिंग न्यूज़ बोले, वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है। दरअसल लखनीत की यानी लखन की बहन कीर्ति ने एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठा दिया है। दरअसल उन्होंने कर ली है एंगेजमेंट, या फिर ये कहे कि उनको प्रपोज कर दिया है उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड ने, जिसके बाद में उन्होंने कुछ फोटो शेयर की है अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर। फोटो में देखने के लिए साफ मिल रहा है कि रिंग पहनाई गई है कीर्ति को। हालांकि हम ये नहीं कहते कि एक रिंग सेरेमनी है, उसका पूरा फंक्शन था, बट ये प्रपोज किया गया है। जिस तरीके से रिंग पहनाई गई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको बता दें कि ये आगरा में इन्होंने इनको प्रपोज किया है, और आप देख सकते हैं इस फोटो में कि इनकी फ़ोटो के पीछे आपको ताजमहल दिख रहा होगा। जहाँ से इनकी लोकेशन है वहाँ से ताज दिख रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। कीर्ति इस ओकेशन पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने में भी दिलचस्प होगी कि आगे पाई और बम्मू का फैसला क्या होगा, क्योंकि ये जो पाई है वो पहले भी कई बार ही कर चुके हैं कि बच्चे अगर माता पिता की परमिशन के बिना ऐसी चीज़ करें तो मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और कहीं ना कहीं झगड़े के बाद में अचानक से जब ये चीज़ हुई है तो ऐसा लग रहा है कि शायद झगड़ा कहीं इसी वजह से ना हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनके जो फियांसे हैं उनका गोत्र अलग हो रहा है। यानी कि ये माने कि वे एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, शायद इस वजह से पाई और भम्मू को प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इतना तो है कि पाई और भम्मू इस शादी के लिए राजी नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है। दूसरी तरफ आपको हम बता दें कि जो फोटो शेयर की है कीर्ति ने, वो फोटोज़ में पाई ने तो लाइक किया है, हालांकि उनका कोई कमेंट नहीं है, बाकी सबका कमेंट है पाई और भम्मू का। और जो उनके भाई, छोटे भाई और भाभी है, उनका तो कोई कमेंट नहीं है, लेकिन नखन और नीतू ने खूब सारा प्यार बरसाया है और अपनी स्टोरी में भी इस चीज़ को शेयर किया है। खैर, हम तो यही कहेंगे कि शायद जल्द ही लखनीत फैमिली की जो दूरियां हैं ये मिट जाए, और इस पर पाई और भम्मू आकर जल्द ही कुछ बात कहेंगे ऐसा लग रहा है। क्योंकि पाई कभी नहीं चूकते, जब उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगते हैं उन्हें हटाने में कभी नहीं चूकते। तो देखते हैं कि आखिर क्या यही कारण था जिस वजह से पाई भम्मू नाराज़ हैं कीर्ति से। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। खैर, हम तो कीर्ति की आने वाली लाइफ के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं।